रही है। भाइयों और बहनों, देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी स्पष्ट रूप से दिखती है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मछुआरे साथियों की है। ये सभी साथी समुद्री संपदा पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े संरक्षक भी हैं। इसलिए पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को डीप सी फिशिंग के लिए जरूरी मदद हो, फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। आज मछली से जुड़े एक्सपोर्ट में तो हम तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। एक क्वालिटी प्रोसेस सी फूड का हब भारत हो, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया में सी वीड की डिमांड बढ़ रही है, जिसको पूरा करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। सी वीड फार्मिंग के लिए किसानों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम एकजुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे, तभी हम हर राष्ट्रीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर पाएंगे।